नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वनों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में धू धू कर जंगल जल रहे हैं और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मी भीषण पड़ी है, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं वनों में जिस तरह की आग की घटनाएं सामने आ रही है वो सबसे बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है। और हिमाचल प्रदेश में स्थिति इस तरह की हो गई है कि 7 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा और 3 जिलों में येलो अलर्ट है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के 10 जिले, 12 में से 10 जिले इस वक्त भीषण गर्मी से प्रभावित हैं और लोग परेशान हैं जिस तरह के हिमाचल प्रदेश में हालात बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आग वनों में आग की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें आप सोलन के लावी घाट के क्षेत्र की देख रहे हैं कि किस तरह से जंगल में ऊपर आग लगी हुई है और दोनों तरफ से आग लगी है, सामने की पहाड़ी पर भी और यहाँ से देखें तो पीछे की पहाड़ी की तरफ से भी आग की लपटें इस वक्त दिखाई दे रही है और यह आग बढ़ती जा रही है। सुबह के समय जिस तरह से हम जब मौसम का बुलेटिन दिखा रहे थे तब भी हमने दिखाया था कि सामने के जंगल में आग लगी है, तो उस वक्त आग थोड़ी कम फैली हुई थी लेकिन अब पूरी तरह से फैल गई है। और जिस तरह सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हुई है और उन हवाओं के कारण भी यह आग अब फैलती जा रही है। काफ़ी बड़ा एरिया आग की चपेट में आया हुआ है और इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी हुई है। लगातार जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यदि हम सोलन वन मंडल की ही बात करें तो करीब 50 से 60 के बीच में आगजनी की घटनाएं यहां पर हो चुकी है। वनों की में जो आग की घटनाएं हैं करीब 60 अभी तक हो चुकी है सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में। धू धू कर जंगल हिमाचल प्रदेश में जल रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में अब मैदान से लेकर पहाड़ तपे हुए हैं। गर्मी अब नए रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में स्थापित करती जा रही है। 44 डिग्री सेल्सियस तक मैदानों का तापमान पहुंच गया है और जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो उष्ण क्षेत्र है, जो जहां पर पिछले जो क्षेत्र पिछले दिनों जहां पर बर्फ पड़ रही थी वहां पर भी तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। केलांग में तापमान इस वक्त 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, तो कुल मिलाकर तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान इस वक्त तपे हुए हैं, जंगल आग से भड़के हुए हैं, आग वहां पर भड़की हुई है। लगातार आगजनी की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में सामने आ रही है। वन विभाग भी अब एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जिस तरह की आग की घटनाएं हो रही है तो आत्मसमर्पण ही वन विभाग ने भी कर लिया, जिस क्षेत्र में इस वक्त आग लगी हुई है। चुके हैं, परेशान हैं क्योंकि काफ़ी जोखिम भरा ये काम है और आप देख रहे हैं कि आग लगातार फैलती जा रही है। धुआं जिस तरह से अब हवा इस वक्त सोलन में चलती है तो हवा की वजह से यह आग लगातार फैल रही है और आगे बढ़ती जा रही है। इसके वजह से लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है क्योंकि हालांकि रिहायशी क्षेत्र थोड़े दूर है लेकिन जिस तरह से आग फैलती जा रही है तो उससे इस तरह की ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली है क्योंकि मौसम यहाँ सोलन में इस वक्त तापमान में अगर हम बात करें तो सोलन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 35 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था, परसों 37 डिग्री सेल्सियस तापमान था, अब ठंडी ठंडी हवाएँ चली हैं तो उससे तापमान में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजपूत रमा ठाकुर जी कह रहे हैं कि आग को बुझाने का प्रयास करें
आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल जी। और स्थानीय लोग इस बार वनों में आग की जो घटनाएं हैं बहुत सारे मौके ऐसे देखे गए हैं। हालांकि स्थानीय लोग का वन विभाग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर स्थानीय लोगों का सहयोग भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे विभाग के कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यह अब जैसे जैसे हवाएं चली हुई है तो आग और भड़क रही है। और आप तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, सोलन का लावी घाट का यह क्षेत्र है और सामने आप देख सकते हैं कि नीचे एक कॉलोनी है, अमरावती कॉलोनी है और उसके टॉप हिल पर इस वक्त आग लगी हुई है। आग फैलते फैलते इस कॉलोनी तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम सुबह के वक्त देख रहे थे तो टॉप पर आग लगी हुई थी, लेकिन फैलते फैलते अब काफ़ी नीचे यह आग आ चुकी है और लगातार यह फैलती जा रही है। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर, सोलन में कई जगहों पर बनी हुई है। आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी हिमाचल प्रदेश में इस बार भीषण है, चाहे मैदान हो, चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर पहाड़ हो, लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। और स्थिति यह हो गई है कि अब मौसम विभाग द्वारा जो लगातार बारिश के को लेकर पूर्वानुमान जारी कर रहे थे, अब लू को लेकर पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में जारी किया गया है कि लू चल सकती है, उसमें सोलन जिला भी शामिल है। सोलन के मैदानी क्षेत्र बीबीएन का क्षेत्र है जहां पर इस वक्त तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और लोग गर्मी से इस वक्त बेहाल है। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं किस तरह की आग भड़की हुई है, लगातार हवा के साथ यह आग फैलती जा रही है और आगे बढ़ रही है। आगजनी की घटनाएं लगातार इस वर्ष बहुत ज़्यादा जंगलों में हुई है और उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में मैदानों के साथ साथ पहाड़ भी तपे हुए हैं। और पर्यटक आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से अब वापस जा रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक वापस भी जा रहे हैं, हालांकि आ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिमला में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो पर्यटक भी अब परेशान है कि पहाड़ों पर भी इस तरह की गर्मी होनी शुरू हो गई है जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी पड़ रही थी। तो पहाड़ों में गर्मी की असल वजह जो सामने की पहाड़ियां हैं इस तरह से ढक रही है, आग से धू धू कर जल रही है और यही वजह है कि प्रदेश के जो में तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में वनों की आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, लगातार आगजनी की मामले सामने आ रहे हैं, वन धू धू कर जल रहे हैं और यही वजह है कि प्रदेश के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। वन विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं, कर्मी भी परेशान हैं और स्थानीय लोग भी परेशान हैं। यह समझ में नहीं आ रहा कि इतनी आग लगा कौन रहा है, क्योंकि आगजनी के करीब अगर हम सोलन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो करीब 700 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन एक भी मामले में अभी तक कोई आरोपी तो नहीं पकड़ा गया है और कौन आग लगा रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन जंगल में आग भड़क रही है और लगातार करोड़ों रुपए की वन संपदा इस वक्त राख हो चुकी है। जंगली जानवर आग का ग्रास पर बन चुके हैं और यही स्थिति बनी रही तो हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। इस तरह के हालात बने हुए हैं, मई के महीने में गर्मी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 10 शहरों से अधिक शहरों में इस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। और प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी तापमान इस वक्त 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और जो निचले क्षेत्र है, निचले जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच का हिस्सा है वो 35 से लेकर वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चला हुआ है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ है और इस तरह के हालात है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।